बीती रात 1 बजे तक चली संसद की कार्यवाही, लोकसभा में गूंजा निर्देशक अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष के यौन शोषण के आरोपों का मुद्दा। दक्षिण की अभिनेत्री पायल घोष के साथ खड़े दिखे बीजेपी सांसद रवि किशन, यौन शोषण पर कठोर कानून की मांग की। अत्याचार नहीं होगा, एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। रवि किशन ने कहा, फिल्म ही नहीं इंडस्ट्री कोई भी हो, कहीं भी महिलाओं लड़कियों से दरिंदों को ना हो सौदेबाजी की छूट। ऐसे दरिंदे, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप, आपकी बेटी नहीं है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सुशांत की मौत का उठाया मुद्दा, फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग के बढ़ते काले कारोबार पर रेगुलेटर की मांग की। जितनी भी इंडस्ट्री, उन सबों में रेगुलेटर है। मैं आपके माध्यम से यह सरकार से मांग करना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक रेगुलेटर हो। निशिकांत दुबे ने कहा, ड्रग का काला कारोबार महज फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, हाई सोसाइटीज और स्कूल कॉलेजों में बन चुका है पैट। एनडीपीएस कानून को मजबूती से लागू करने की जरूरत। कोरोना काल में चौपट अर्थव्यवस्था के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिया सुझाव, फिल्म इंडस्ट्री को आगामी 3 साल तक विदेश में शूटिंग से रोका जाए। वो आगे आने वाले 3 साल के लिए विदेश में शूटिंग करने से मना किया जाए और हिंदुस्तान में ही दूसरे लोकेशन पर जो है उनको दिया जाए, जिससे कि टूरिज्म बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। सुशांत रेयर ड्रग रेस में आज एनसीबी ने श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए किया तलब, भेजा समन, सुशांत की पूर्व मैनेजर रही हैं श्रुति। एनसीबी ने जया साहा को भी भेजा समन, आज होगी पूछताछ, रिया से ड्रग चार्टिंग को लेकर चर्चा में आई थी जया। सुशांत के विस्तृत रिपोर्ट पर होने वाली एम्स के डायरेक्टर्स की बैठक टली, अब मंगलवार को होगी मीटिंग। सुशांत की बहन ने डाला नया वीडियो, आसनसोल में एक मूर्तिकार ने बनाई है मूंग की प्रतिमा। रिया के मुताबिक सुशांत केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के वक्त ड्रग की लत के हुए शिकार, सूत्रों के हवाले से रिया से हुई एनसीबी की पूछताछ की मिली खास जानकारी। भारत और चीन के बीच आज फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत, एलएसी पर तनाव का मुद्दा। भारत चीन की बातचीत में भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी हो सकते हैं शामिल, समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालना मकसद। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव बातचीत में हो सकते हैं शामिल, सेना मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी भी आज की बैठक में हो सकते हैं शामिल। बैठक के दौरान कोर की अगुवाई ले रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे, मेजर जनरल स्तर के 2 अधिकारियों के साथ आईटीबीपी के आईजी भी बैठक में करेंगे शिरकत। भारत चीन के बीच ये बैठक लद्दाख के मोलदो में होगी, सुबह 9 बजे शुरू होगी बैठक। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, एक दिन में 455 की मौत। पुणे में कोरोना संक्रमण का खौफ अब भी बरकरार, 24 घंटे में 1700 से ज्यादा मरीज, 50 की मौत। कोरोना के दौर में आज का दिन ऐतिहासिक, सरकार की रियायत के बाद कल से कई राज्यों में 9वीं और 12वीं तक स्कूल खोलने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने का फैसला फिलहाल टाला, बढ़ते संक्रमण के चलते सीएम योगी ने लगाई रोक। यूपी में आज से पर्यटकों के लिए फिर खुलेगा ताजमहल, कोरोना काल में लॉकडाउन से बंद थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।